ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक अच्छा करेक्शन प्ले आउट हो गया। आपको आप कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो सकती है आगे, और अब अपग्रेड जाना शुरू हो गए। लगता है समय आ गया, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे वापस। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, सृष्टि और डिप्पी को बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 8.4% किसी ने विजुलाइज नहीं किया था, निकाय 40,000 हो जाएगा, जो 40 साल में नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो हेल्दी करेक्शन था वो मच अनिवार्य था, और अभी भी मिड कैप में थोड़ी सी कंसोलिडेशन रह सकती है। लेकिन लार्ज कैप में आपको ये कहाँ मिलेंगे, जब 20% करेक्शन मिल जाए तो यहाँ तो आपको आपका आपको बिना सोचे समझे ही थोड़ा सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 167 165 में आपको कल IOC किया, कल HPCL आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज जो कल आपको दिया वो टॉप गेनर था। आज भी कह रहा हूँ कि BPCL लीजिए, ONGC लीजिए, गेल लीजिए, नैलको लीजिए। मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अब, और आपको मिनिमम 10% का अपसाइड इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए अजय जी, 130 वाला जब 190 एक महीने में जाए, अनिवार्य है कि आप यू मस्ट टेक सम चिप्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें कोई गाइड करने नहीं आता, बट लर्न टू ऑल्सो बुक प्रॉफिट एंड टेक होम मनी। और ये महीना मैं आपको फिर बोल दूं, मार्च विल बी अ मंथ, सेकेंड हाफ कैन सी ह्यूज वॉलिटिलिटी। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स आपने बुक करना भी सीखिए, क्योंकि मार्केट वॉलिटिलिटी में आपको मौका देता है। अब कल जिसके पास लिक्विडिटी थी, कल उसने जिसने लिया वही विल बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक।